भारत में कोरोना वैक्सीन कब तक आएगी? सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने इसे लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। आदार पूनावाला की माने तो कोरोना के खिलाफ जंग के लिए इस साल दिसंबर तक वैक्सीन तैयार करने की संभावना है। हालांकि इसके साथ पूनावाला ने यह भी कहा कि वैक्सीन का तैयार होना बहुत हद तक ब्रिटेन की टेस्टिंग और DCGI के अप्रूवल पर निर्भर करेगा। पूनावाला ने बताया कि भारत में इस साल के अंत तक भी कोरोना वैक्सीन आ सकती है, लेकिन इसके लिए ब्रिटेन पर काफी कुछ निर्भर है। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन में वैक्सीन का एडवांस ट्रायल चल रहा है। अगर ब्रिटेन ने डेटा साझा किया तो इमरजेंसी ट्रायल के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में आवेदन किया जाएगा। मंत्रालय से मंजूरी मिलने पर वही टेस्ट भारत में भी किया जा सकता है। अगर ये सभी सफल रहा तो दिसंबर के मध्य तक भारत के पास वैक्सीन हो सकती है। आदार पूनावाला ने समाचार चैनलों से बातचीत में बताया कि ऑक्सफोर्ड कोरोना वायरस वैक्सीन की 100 मिलियन खुराक का पहला बैच साल 2021 की दूसरी या तीसरी तिमाही तक उपलब्ध हो सकेगा। पूनावाला ने यह भी कहा कि ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन काफी किफायती होगी। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन को उत्पादित कर रहा है। बता दें कि पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन के उत्पादन के साथ कई वैक्सीन पर काम कर रहा है। इसके अलावा SII अपना वैक्सीन भी बना रहा है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।